कहते हैं प्रसव के बाद महिला का दूसरा जन्म होता है और उसे ये नया जीवन देने वाला डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। कहा जाता है कि एक महिला को प्रसव के दौरान इतना दर्द होता है जितना दर्द शरीर की 200 हड्डियां टूटने पर होता है। इस दौरान महिला जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही होती है। आपने कई मर्तबा जुड़वा बच्चों की जन्म देने की कहानी सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने सुना है किसी महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है? ऐसा ही एक आश्चर्यजनक मामला लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में देखने को मिला, जहां एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। इस महिला का नाम नैना बताया गया है। आपको बता दें कि कई मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक डिलीवरी के बाद 10 में से 2 महिलाओं में डिप्रेशन का खतरा रहता है। फिलहाल नैना द्वारा एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने पर लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज ने एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ की महिला चिकित्सकों ने LLRM का नाम ऊंचा कर दिया है। इसके लिए मेडिकल प्राचार्य डॉक्टर RC गुप्ता ने पूरी टीम को शाबाशी दी है। यह सब इसलिए कि इस महिला का सुरक्षित प्रसव मेडिकल की महिला चिकित्सकों की मेहनत की बदौलत ही संभव हो सका है। साथ ही यह धारणा भी अब खत्म होती जा रही है कि सरकारी अस्पताल के चिकित्सक लापरवाही करते हैं। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने इस धारणा को गलत साबित किया है। अब बात करते हैं प्रसव की। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में नैना ने 3 बच्चों, 2 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया है। तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। नैना 8 माह 3 सप्ताह यानी कुल 35 सप्ताह से गर्भवती थी। उनका इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की आचार्य डॉक्टर अरुणा वर्मा कर रही थी। 14 अप्रैल को रात करीब 11:50 पर डॉक्टर अरुणा एवं उनकी टीम की डॉक्टर राघवी और डॉक्टर प्रतिष्ठा ने ऑपरेशन करके 3 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। तीनों में से पहला लड़का 2 किलोग्राम का है, जो माता को सौंप दिया गया है। दूसरा लड़का 1.9 किलोग्राम का है और तीसरी लड़की 1.5 किलोग्राम की है, जिन्हें अभी NICU में रखा गया है। NICU में दोनों ही बच्चे स्वस्थ हैं और शीघ्र ही उन्हें प्रसूता नैना को सौंप दिया जाएगा। प्रधानाचार्य डॉक्टर RC गुप्ता ने डॉक्टर अरुणा और उनकी टीम को सफल ऑपरेशन के लिए धन्यवाद और साधुवाद दिया है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।